अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मुझे तो आप लोग देख ही रहोगे, इस समय रेडी शेडी होके खड़ी हूँ बिकॉज आज मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ स्टडी के लिए। बस दुआओं में याद रखें, अच्छा अच्छा सब कुछ हो जाए। पता नहीं कौन कौन से प्रोफेसर बैठे होंगे जिनको मैंने जवाब देने हैं। खैर खैर से मामला हो जाए, अंदर जाके माँ जी की दुआएं वगैरह लेती हूँ, क्योंकि जब तक मैं ना ले लूँ अपनी मम्मा की दुआएं मेरा कोई काम नहीं होता सही तरह से। और अभी मैंने अली को बिठाना है कि जल्दी से उठे और मुझे छोड़ा है, मैं लेट ना हो जाऊं, क्योंकि मेरे पापा कहते हैं किसी भी जगह पे आपने जाना हो तो टाइम से पहले पहुंचो। सो मामला हो सकते हैं, रस्ते में ट्रैफिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो घर से कुछ देर पहले निकलो। और ये बात उनकी 100% सही है। तो एक बार ऐसे हुआ था, मेरा पेपर था और मैं टाइम घर से निकली थी और मैंने इतना बड़ा ब्लंडर मारा कि जो गाड़ी की कीस थी मैंने गाड़ी के अंदर ही रख के गाड़ी लॉक कर दी। और फिर मैं हाथ पे हाथ खड़क के मैं तो खड़ी हुई थी, फिर जैसे तैसे करके फिर पापा ने डांट वगैरह पड़ी, फिर अली ने कर कुर के वो गाड़ी अनलॉक किया और फिर मैं अपने टाइम बहुत मुश्किल से मैं अपने टाइम पे पहुंची थी क्लास में, जिसके ऊपर मुझे थोड़ी सी डांट भी पड़ी थी बिकॉज मैं 5-10 मिनट लेट हो गई थी। और पेपर में आप लोगों को पता है हमें पहले जाके क्लास अपनी वहाँ पर जाके अपनी सीट पर बैठना होता है। खैर मेरा पेपर अच्छा हो गया था, अल्लाह का शुक्र है। और मैं जाके मम्मा जी से ज़रा दवाई वगैरह ले लूँ। उठ गई हैं मम्मा जी, तबीयत सही है? नींद नहीं पूरी होती, तबीयत की सही होनी। क्यों? हाँ सारी टाइम उठना होता है, तब सारा दिन आपने सोना ही है। हाँ सारा दिन जड़े वो बच्चे ने सोन देते नहीं, रोड़ा पाते नहीं। लो तो आप लोग सो जाओ, अभी सो जाना, अभी क्या इतना टाइम पड़ा, अभी तो 8 बजे है। नहीं किचन जाना, दूध रेड़ा रखिया पे, नहीं गर्म करना, दूध गर्म करना, किचन बर्तन साफ करने, फिर काम वाली। काम वाली ने आना ही है, काम वाली ने सफाई करनी है, उन्हें बर्तन साफ कर दी, वो कब होती है तो उसे करवा लेना। नहीं कर दी भाई, बिजी बंदी है वो भी, है ना? इदा ही है, तू जा रही है? हाँ मैं जा ली, चल पीछे बैठ के मैं मिस करना, ठीक है? अल्लाह ताला खैर ना जाए तो खैर ना वापस आए। मेरे मम्मा मेन चला, मेरे ना रोजियां च नहीं है काम सही, ते अगर जाने पढ़ाई जा लेने तो ना रोजा से बुलाना ही बुलाना पहला रोजे छुट्टियां दे दिया कर, ना हुन उन्हां नूं पता मैं की कह सकती। चलो फिर दुआ मंगो मेरा अच्छे अच्छे हो जाए, उधर बाहर दे प्रोफेसर आने ने, हो जाएगा अल्लाह खैर करे। फिर दे दो प्यार, खैर ना जा दे, खैर ना ला वापस जाना। चुमिया ही मेरे भी तो गाइज आज का जो मैंने हिजाब अपना सेम वैसे ही किया है, ठीक है? और इसका मुझसे ट्यूटोरियल पूछा जा रहा था, हिजाब ट्यूटोरियल टिकटॉक के ऊपर मैंने इसका पूरा ट्यूटोरियल बना के अपलोड किया है वीडियो, वहाँ पे आप लोग जाके देखें कि मैंने किस तरह से ये हिजाब किया है, जो जिनको पसंद आया, ठीक है? और उसका लिंक जो है मेरे यूट्यूब के साथ ही अटैच है, इधर से आप डायरेक्ट चल जाए, क्योंकि मेरे टिकटॉक के ऊपर 18 फेक अकाउंट चल रहे हैं। मतलब हद है यार, क्या मैं कहूँ यहाँ पे, मतलब चोरी करने से बेहतर अपना कंटेंट बना ले हर चीज़। हम लोग ना मतलब हम लोग नहीं तरक्की कर सकते जब तक हम लोग क्योंकि हमारा काम है दूसरों की टांग खींचना। हाँ मेरे सही लग रहा है, मेरे मम्मा को भी बड़ा गुस्सा आ रहा है, ठीक है? मतलब आप लोग खुद अपना कंटेंट बनाए, अच्छा कंटेंट बनाए, चोरी करके क्या कर लेंगे, ठीक है? और दूसरों का कंटेंट खराब कर लेंगे। मैं टीचर हूं, टीचर होने का फायदा, वो टीचर है, यही कुछ होता है माँ जी। 18 फेक अकाउंट्स मैंने तो खुद काउंट किए थे, अब इस टाइम का मुझे नहीं पता। तो आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 वहां पे जाके उन लोगों को अनफॉलो करें और रिपोर्ट्स करें। और इस सिर्फ मेरा एक ही टिकटॉक है फिलहाल, तो एक ही है जिसका लिंक मैंने अपने यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है, तो यहाँ से आप लोग ओपन करके जाएं, वहाँ पे पूरा ट्यूटोरियल आप लोग को मिलेगा, उसको जाके देखें, अगर अच्छा लगे तो फॉलो भी कर दें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, ठीक है? और एंड में मैं यही बात करना चाहूँगी कि हम जो है ना स्पोर्ट कम करते हैं और दूसरों की टांग ज़्यादा खींचते हैं, ठीक है? ऐसे कभी कामयाबी नहीं मिलती, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। और दुआओं हमेशा दूसरों के लिए दुआएं ही दिया करें, ना कि भी बैड कमेंट्स करके दूसरों को इस तरह से नीचे गिराना, कुछ भी नहीं इस तरह से हासिल कर सकते हम। A few moments later. चलो जी गाइज, फाइनली हम निकल चुके हैं और अली को मैंने उठा लिया है, ठीक है? सुबह बेचारे की नींद मैंने खराब किया, फिर मैंने नींद खराब किया, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। हौली हौली मैं ड्राइविंग सीख लूंगी, फिर ये लोग मुझे मार के सोएं, ठीक है? सुबह मैं चला रही थी, फिर मेरा दिल करा ड्राइविंग जो है अपनी चलाने का, जो साथ साथ प्रैक्टिस करने का, गाड़ी चलाऊं मैं बैठ के, लेकिन मुझे चलानी नहीं दे रहा, ये देख रहे, कह रहा तुमने ठोक देनी है यहाँ पे। तुम अभी काकी हो, अभी नहीं चलाते, अभी पहले 1 साल के लिए सीखो। 1 साल? हाँ जी। चलो जी हम पर्चियों पुर्चियों के पैसे दे दे, पैसा पैसा हर चीज में लगता है पैसा।
चलें जी गाइस, फाइनली एक घंटा लगा के मैं अपनी यूनिवर्सिटी के करीब पहुंच रही हूं और इसका मुंह चेक करें। थोड़ा मैंने आपको जूम करके दिखा दिया बेटा, तुमने मुझे बड़ा तंग किया, आज देखें क्या होता। क्या होगा, आज मैंने तो चली जाना है, आज तो मेरी से जान छुट्टी है, शुक्र है अल्लाह का, आज का दिन मेरा थोड़ा सुकून का गुजरेगा, वरना मेरा ये सर खा जाएगा। वापस आना है, चलो सारा दिन तो मेरा सुकून का गुजरेगा ना, वरना तुम तो मेरा भेजा फ्राई करके रख देते हो। और ये सच्ची बात है, ये मुझे बहुत तंग करता है, बहुत तंग करता है। और ये जो आप लोग कहते हैं ना बहन भाइयों का प्यार माशाल्लाह, ये वो ये मैं कहती हूँ छोड़ दो, बहुत प्यार है, छोड़ दो प्यार है। ये हमें पता हम कितना प्यार है, हमारी लड़ाइयाँ नहीं खत्म होती और मम्मा हमें डांट डांट के हमारी सलाह करवा रही होती है, हमें कह रही होती चुप कर जा, तू चुप कर जा, तू चुप कर जा, हमें ऐसे करके चुप करवाती है, कोई प्यार प्यूर नहीं है हमारे में, दुश्मनी ज्यादा है। हाँ हम है वो जो कहते हैं, कहते हैं ना क्राइम पार्टनर्स, हम वो नहीं है, हम लोग हैं दुश्मन पार्टनर लेकिन फिर भी हम लोग होते हैं साथ साथ ही है। अब हम क्या करें, हमारी बड़ी सिस्टर की शादी हो गई है, भाई की भी शादी हो गई है, वो बेचारा अपने बीवी बच्चों वाला है, पीछे रह गए मम्मा पापा जी, वो अपने बैठे खुसर फुसर कर रहे होते हैं, फिर हम दोनों ने कुछ ना कुछ तो करना ही है। फिर हम दोनों वेले, हम कहते हैं yes. चलो आ गया यूनिवर्सिटी भी। Later. जी फाइनली हम लोग ये कीड़े को छोड़ने आ गए हैं और इसकी यूनिवर्सिटी आ चुकी है, चल रहे नाजा। गाइस प्लीज मेरे लिए दुआ कीजिएगा प्लीज, उतर जा, भाग जा, भाग जा, भाग जा, भाग जा, जल्दी नजर ना आई। और मैं अगर कीड़ा ना तुम थोड़ी बड़ी सुन रही, नजर ना आई, नजर ना आई, चल ओके चलो, ओके जी लाफिस। चलो जी गाइस, शुक्र है इससे जान छूटी हमारी, नहीं तो डम डम हो जाना थी आज, बहुत वैसे भी थक चुके हैं, बड़ा तंग करती है ये मुझे। तो जी फाइनली गाइज हम मीना को छोड़ चुके हैं यूनिवर्सिटी, अब हम लोग घर की तरफ ये जा रहे हैं और रास्ते में हैं, आधा घंटा हमें लग जाएगा घर जाते जाते। तो जाते जाते ना मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया कि घर जाके मम्मा के साथ थोड़ा शुगर लगाते हैं, मम्मा को थोड़ा ना तंग करते हैं, तो मम्मा का रिएक्शन देखते हैं मम्मा क्या कहती है। मम्मा को मैं कहता हूँ हीना को ना मैं रास्ते में ही उतार के आ गया हूँ, वो मेरे साथ मुझे तंग कर रही थी, लड़ रही थी, उसको मैंने रास्ते में ही उतार दिया, हम उसके नौकर हैं, उसको छोड़ के आए हैं, एक और ऊपर से बातें सुने, तो फिर देखते हैं मम्मा का रिएक्शन क्या होता है। तो आप भी देखना ज़रा मम्मा जी, मम्मा भाई अपनी बेटियों से बड़ा प्यार करती है, हमसे भी करती हैं यार, बेटों से भी करती हैं, लेकिन बेटियों से कुछ ज़्यादा प्यार होता है, और देखते हैं फिर क्या कहती है मम्मा। One hour later. जी फाइनली गाइज हम लोग घर पहुंच चुके हैं, हम लोग चलते हैं अंदर और मम्मा जी को देते हैं एक सरप्राइज। ना मिन्ना जो हमारी मेड है बड़ा तंग करती है, मैं इसको दिखाता हूँ आपको। अरे तुम्हें सुकून नहीं है, ताड़ी तीन मां बाहर ही छड़िया है, ताड़ी तीन मां बाहर छड़िया है, वो मेरा लड़न दे इसी रस्ते च, मैं रस्ते च लाया, मैं क्या आपे जा, की अकल है, एक असि छाड़ी का ही मुलाजम लगे फिर समझाओ ना, मेनू नी पता, पुछ लो पहुंचिए के नहीं, पहुंच गई होनी है, पहुंच गई, पैदल चली गई,
ਕਾਰਨ ਕੀ ਪਤਾ ਚਲੀ ਗਈ ਛੜਕ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਂ 8 ਦਿਨ ਕੇ ਆਤਾ ਥਾ ਉਸ ਵਕਤ 8 ਦਿਨ ਮੈਂ 12 14 ਐਪੀਸੋਡ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗਾਈ ਤਾਂ ਤੰਗ ਹੀ ਬੜਾ ਯਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਆਣਾ ਕਰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਤੰਗ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆਪਦਾ ਨਾ ਕਹੀਂ ਮੈਂ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਆਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਤੁੱਪਾ ਉਹਨ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹੀਂ ਕੁਝ ਐਪੀਐਂਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਆ ਟੀਵੀ ਪੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋ ਪਾਏ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਗੱਲ ਵੇ ਦਾ ਪਹੁੰਚੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤੀ ਖੜਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਪਹਿਲੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਾ ਤੂੰ ਓਪਨ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਕਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ बैल तो जा रही है चक्केगी ता ही है रस्ते जा रही होनी पैदल बैल आपदा रखया होना पर्स विच ते जा रही होनी है तेरे चक्कर हैगी पर मैं तेरे प्यो नु फोन कर लिया अबे इन क्यों करना वो क्यों मैं तंग कर दिया यार वो ना मैं तंग करे रस्ते चला के आ जाना आहो रात पे जो मर्जी हो जाओ तो रोजा है भाई मेनू नहीं पता ना मैं तंग करे या करे हम रात दा 1 घंटा सुता हां ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ 12 ਵਜੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਰਾਤੀ ਮੈਂ 1 ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਭੇਜਤਾ ਤੇ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਚੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ ਬਤਾਏ ਨਾ ਆਪ ਸੇ ਕਿ ਖੇਲੇਗੇ ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਨੇ ਚੋਣੀ ਮਾਰੀ ਨਾ ਅੰਮਾ ਤੱਕ ਪਾ ਗੋਣੀ ਮਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਲਜ ਆ ਗਏ ਠੀਕ ਹਾਂ ਤੁਮੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾੜੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਅੰਮੀ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਗਾੜੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਤੀ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਗਾੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਛੀ ਹੈ ਉਸੇ ਬਾਤ ਕਰੇ नहीं हो चलो गाइस पहुंच जाएगी यार आप ही मां पहुंच जाएगी तो हमें टेंशन ले जानी ओके कर जी तो गाइस अब हम लोग सोने लगे हैं सुकून से इजी मॉल तो फिर उठते हैं फिर हिना को लेने जाना है दोपहर को तो फिर देखते हैं हां जी चक्या कि नहीं यार ये पहुंच गई तू मेनू बगार ते जा नसादा तंग कर दा ओ यार माई तुसी मेनू घट तंग कर दियो मजा तो आंदा फिर तंग करन दा हुण मैं लगा सो ते हुण मेरे नाल ठाणा ठीक है तो रेस्ट मारो तुसी भी चले जी गाइस फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ और शाम हो गई है बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी हूँ आज और यूनिवर्सिटी में मेरी तबीयत भी इतनी ख़राब हुई है मुझे लग रहा था मेरा हो जाना है सांस बंद और अब मैं बस फ़ौरन से चेंज वगैरह करके मैं नमाज़ अदा करनी है और मैंने जाना है सो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है क्योंकि सहरी के बाद से मैं सोई ही नहीं हूँ बिल्कुल भी नहीं सोई और आप लोगों के लिए भी दुआएं आप खुश रहें आबाद रहें अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा चलें जी अब दे मुझे इजाज़त ओके जी अल्लाह हाफिज़।